वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली कई सरकारी जमीन, वन विभाग की जमीन व खार भूमि पर मनपा अधिकारी, वन विभाग व तहसील अधिकारियों की मिली भगत से भू माफियाओं ने कब्जा कर उस पर अतिक्रमण कर लिया है। ऐसा ही कुछ हुआ वसई तालुका अंतर्गत आने वाले मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग से सटे बापाणे पर, जहां राम दुलार राजभर नामक शख्स ने खार भूमि की कई एकड़ जमीन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों की बेच दी। साथ ही साथ जमीन के अलावा वहां स्थित मैंग्रोव के पेड़ों को मिट्टी के नीचे दबाकर वहां कई अवैध चौले भी बनाई, जिसके चलते राम दुलार राजभर को मनपा ने नोटिस भी भेजा है। वहीं आपको बता दें कि राजभर साहब ने कमाल तो तब कर दिया जब इस खार भूमि की सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा उन्होंने राजभर भवन बनाने के लिए दान तक कर दिया। अरे साहब, आप अपनी जमीन दान करते, प्रशासनिक जमीन पर अपना मालिकाना हक समझकर उसे दान कर आप राजभर समाज के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ आखिर क्यों कर रहे हैं? अब देखना होगा कि इस मामले में राम दुलार राजभर पर खार भूमि की सरकारी जमीन पर कब्जा करने हेतु, मैंग्रोव के पेड़ों की हत्या करने हेतु व उस जमीन पर अवैध घर बनाकर लोगों को ठगी करने के आरोप में मनपा, तहसीलदार व पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। नाला सुपारा से यशवंत भारद्वाज की एक रिपोर्ट। कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए।